भाई यार देख सकते हो आप, ये मार्केट का सबसे बड़ा मछली है, 4 से 5 केजी का होगा। मतलब आपको यहाँ पे जो भी मिलेगा आप देख सकते हो, ताज़ा और फ्रेश मछली मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे एक बार विजिट कर सकते हो। अगर आप आते हो तो यहाँ पे आप चिकन, मटन और फिश को खुद से भी फ्राई करके खा सकते हो। ये देखो यहाँ पे एक भैया जो अपने फिश को खुद से फ्राई कर रहे हैं, है ना भैया? तो खुद से बना के खाने का मजा ही अलग है। तो खुद से बना के खाने का टेस्ट स्वाद अलग ही है, अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हो यार, काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हो लाइन बाय लाइन यहाँ पे चूल्हे जल रहे हैं और सारे चूल्हे में कढ़ाई चढ़ा हुआ है, चिकन और फिश फ्राई किया जा रहा है। यहाँ पे भी एक अंकल हैं जो कि खुद से चिकन को फ्राई कर रहे हैं। तो अंकल कितने टाइम से आप यहाँ पे खा रहे हैं, मतलब कितने सालों से, कौन कितने टाइम से आप इस बाजार पे विजिट करके यहाँ पे खा रहे हैं? कितना 5-6 साल से हम लोग आ रहे। 5-6 साल से तो खुद से बना के खाते हैं? बना के खा रहे हैं। मतलब यहाँ पे आंटी आपको सारा कुछ जुगाड़ दे देती हैं, आप खुद से बनाइए और खाइए। हाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एकदम फ्रेश और ताजी मछली आपको मिल जाएगी। ये देख सकते हो छोटी मछली है, यहाँ पे बड़ी मछली है। तो कौन सा मछली एक बार बता दिया ना, ये कौन सा मछली है? और ये मिर्गा बच्चा है, ये वाला, ये कतला। तो एक प्राइस कैसे केजी देते हैं? 160। ये 160 है। और ये मिर्गा कैसे है? ये भी 160 है। और ये कौन सा मछली है? वो भी बड़ा रेहू है। हाँ, 170 रुपये किलो। तो भैया, तो इधर आप देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा मछली है। तो हम आपको आज पूरा मार्केट को एक्सप्लोर करने वाले हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, मछली से लेके मुर्गा से लेके सब्जी, सब कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं। पालक साग कैसे आंटी? 30 रुपये केजी है। और भिंडी कैसे है? भिंडी 35 दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो भिंडी 35 का, 10 रुपये। मार्केट आ चुके हैं, रांची के ध्रुवा मार्केट आ चुके हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड है। तो यहाँ पे भिंडी को अच्छी तरह से सजा के रखा है। तो आंटी भिंडी कैसे केजी है? 40 रुपये केजी है। और ये गोभी है ना, ये गोभी कैसे केजी है? सारा कुछ 40 रुपये ही केजी यहाँ पे है। तो गाइज हम लोग यहाँ पे चिकन लेने वाले हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी चिकन हो चुका है रेडी यहाँ पे, अब इसको हम लोग कटवाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हो आप चिकन अब निकल गया है, अब इसको वेट कर लिया गया, अब इसको अच्छी तरह से कटिंग किया जा रहा है। आपको यहाँ पे मार्केट में आना है, आपको यहाँ पे 200 रुपये केजी चिकन मिल जाएगा। ऐसे रेट यहाँ का 240 है, लेकिन अगर आप हमारे वीडियो देख के आते हो तो एक बार भैया का शक्ल याद रखो, यहाँ पे आपको 200 रुपये केजी लग जाएगा रेट। यहाँ पे हमारा चिकन की कटिंग हो गई है, तो चलिए अब हम इसे जल्दी से पैक करवाते हैं और फिर ले चलते हैं हम लोग इसे बनवाने के लिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हो पूरा देसी तरीके से चिकन को बनाया जाता है, मिट्टी के चूल्हे पे, लकड़ी की आंच से। और यहाँ पे एक दीदी हैं जो कि यहाँ पे 10 सालों से चिकन बना रही हैं। तो आज हम इन्हीं से चिकन यहाँ पे बनवाने वाले हैं। तो वो सब कुछ आपको वीडियो पे दिखेगा, तो वीडियो पे बने रहना। तो यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें प्याज ऐड किया जा रहा है, देख सकते हो। यहाँ पे अभी लहसुन अदरक मिर्चा का पेस्ट डाला जा रहा है, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जा रहा है, पूरा देसी तरीके से इसको बनाया जा रहा है। साथ ही साथ अब इसमें बारीकी से काट के टमाटर को ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा चिकन को ऐड किया जा रहा है, ये देख सकते हो। पहले चिकन को अच्छी तरह से यहाँ पे क्लीन करके धो लिया जा रहा है, उसके बाद इसको कढ़ाई में डाला जा रहा है। तो यहाँ पे चिकन को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जा रहा है, कढ़ाई और मतलब मसाले और प्याज में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जा रहा है। अब इसको भूना जाएगा, अब इसमें थोड़ा सा नमक को ऐड किया जा रहा है, ये आ गया हमारा नमक। तो गाइस यहाँ पे अभी मसालों को ऐड कर लिया जाए, अब यहाँ पे मिक्स मसालों को ऐड किया जा रहा है, अब देख सकते हो ये हमारा डब्बा मिक्स मसाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दीदी यहाँ पे गरम मसालों को अब ऐड करने वाली हैं, ये आ गया यहाँ पे गरम मसाला।
इसको अच्छी तरह से कूट के डाला जा रहा है ना, उखली में कूट के लाया है ना दीदी घर से, तो इसको अच्छी तरह से उखली में कूट के लाया गया है। गर्म मसाला डालने के बाद ना अभी से ही चिकन से खुशबू आनी स्टार्ट हो चुकी है। और इसमें अब इसमें थोड़ा सा पानी को ऐड किया जा रहा है और उसको मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके भुना जाएगा। ये देख सकते हो तो यार अगर मार्केट आप आते हो ना तो यहाँ पे आपको एक अलग ही लेवल का चिकन खाने को मिलेगा। फुल देसी स्टाइल से यहाँ पे बनाया जाता है, देख सकते हो मिट्टी के चूल्हे पे बनाया जाता है। यहाँ किसी तरह का भी कोई ईंट वीट का यूज़ नहीं किया गया, सिर्फ मिट्टी से चूल्हा बनाया गया है। और ये रहा लकड़ी, लकड़ी की आँच से यहाँ पे चिकन को भुना जा रहा है। चिकन के साथ यहाँ पे और क्या क्या बनाती हैं? रोटी बनाते हैं, आटा रोटी बनाते हैं, छिलका बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं। छिलका रोटी भी बनता है? हाँ। तो आंटी आप जैसे ये चिकन बन रहा है यहाँ पे तो कैसे केजी भूनती हैं? प्राइस क्या होगा चिकन बनाने का? 100 रुपया। 100 रुपया में 1 केजी है ना। तो यहाँ पे है पर वो बता दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हंडिया, जिसको यहाँ पे राइस बियर बोला जाता है, काफी ज्यादा फेमस है। तो हंडिया कैसे देते हैं दीदी? 20 रुपए बोतल। कौन सा बोतल में, मतलब बियर का बोतल में एक बोतल दिया जाएगा सिर्फ 20 रुपया में? तो काफी बढ़िया है, काफी कम प्राइस पे आपको यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। और यार मार्केट का ना मतलब मार्केट का मजा अलग ही है। तो आप लोग एक बार अगर आते हो धुरवा तो इस मार्केट को एक्सप्लोर करना और यहाँ पे विजिट करना, और दीदी के हाथों का देसी स्टाइल से बना हुआ चिकन खाना। तो दीदी, तो गाइज अगर आप लोग देसी स्टाइल से बना हुआ फिश फ्राई खाना चाहते हो, चिकन फ्राई खाना चाहते हो, हंडिया पीना चाहते हो, तो आप लोग रांची के ये धुरवा बाजार में शहीद मार्केट लगता है, यहाँ पे विजिट कर सकते हो। ये देख सकते हो चारों तरफ मंडली लगा हुआ है और चारों तरफ यहाँ पे चिकन फ्राई, फिश फ्राई और हंडिया का भीड़ है। तो आप लोग, यहाँ पे हमारा चिकन अब फाइनली बन के रेडी होने वाला है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता को दीदी ऐड करने वाली है। ये देख सकते हो यहाँ पे धनिया पत्ता को काटा जा रहा है। गाइज फाइनली हमारा चिकन बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम देर नहीं करते हैं और इसे छिलके रोटी के साथ टेस्ट करते हैं और आपको इसका टेस्ट बताते हैं। तो गाइज ये देख सकते हो हमारा चिकन बन गया है और आपको यहाँ पे हरे दोने में सर्व करके दिया जाएगा, जो एकदम बहुत ही झारखंड के लोगों को हरे दोने में खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए आपको झारखंड अगर आप एक्सप्लोर करते हो, यहाँ का कोई भी मार्केट आते हो, तो आपको यहाँ पे हरे दोने में ही चिकन खिलाया जाएगा, वो भी देसी तरीके से बना के, देख सकते हो। ये देख सकते हो यहाँ पे ताई चढ़ गया है और ये दीदी के हाथों में। तो दीदी ये क्या है? चावल गुणी है। चावल गुणी है, तो इसी से छिलका बनेगा हमारा। तो गाइस इसी से देख सकते हो अब हमारा छिलका बनने वाला है। तो आज हम छिलके के साथ चिकन को ट्राई करने वाले हैं, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, तो आप लोगों को भी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे बने रहना यार और ढेर सारा प्यार देना, भाई को सपोर्ट करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो। तो गाइज ये हमारा ताई गर्म हो चुका है और ये आ गया छिलके का गुंडी। अब इससे हमारा बनेगा यहाँ पे छिलका रोटी, ये देख सकते हैं। तो दीदी ये चावल का गुंडी होता है, इसको अब अच्छी तरह से पलट दिया गया है। तो यार मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ पे मार्केट में चावल का रोटी खाने में, और उसके साथ चिकन मिल जाए तो वाह ही। ये आप चिकन देख सकते हो यार, कितनी अच्छी तरह से इसको फ्राई किया गया है, ये देख सकते हो। इसको बस छू रहे और ये देखो कितनी अच्छी तरह से ये टूट जा रहा है, ये देख सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से इसको फ्राई किया गया है कि बस हम थोड़ा सा छू रहे और ये टूट जा रहा है। और कलर की बात करें ना यार, तो गजब का कलर निखर के आया है। और उसके साथ में आज हम अभी तो चिकन के साथ में आज हम अब ये देख सकते हो छिलका रोटी ट्राई करने वाले हैं, जो कि आपको इसी तरह का लोकल मार्केट में खाने को मिलेगा। और आपको इस तरह का छिलका रोटी के साथ चिकन पूरे रांची में कहीं नहीं खाने को मिलेगा। अगर आप धुरवा आते हो तो धुरवा के शहीद बाजार आना, आपको ये मार्केट में छिलका रोटी के साथ चिकन फ्राई खाने को मिलेगा। तो यार चिकन काफ़ी बढ़िया बना है, तो चलिए अब हम जल्दी से इसे छिलके रोटी के साथ टेस्ट करते हैं और आपको इसका टेस्ट बताते हैं। तो ये हमने ले लिया, अब ये हमने इसके साथ में चिकन ले लिया। ये आ गया हमारा चिकन, देख सकते हो। अब ये हमने फोल्ड किया और ये खाया। छिलके के साथ में चिकन का टेस्ट ना वाकई में बहुत बढ़िया है। इसको छिलके को पहले चावल को फुलाया जाता है, उड़द को फुलाया जाता है,
सिलवट पे इसको अच्छी तरह से पीसा जाता है, उसके बाद ये तैयार होता है, लोर तैयार होता है, उसके बाद उससे हमारा छिलका बनता है। तो चिकन का टेस्ट ना गाइस बहुत ही बढ़िया है यार, लोग इतना बढ़िया है कि लग रहा है कि मैं जितना कितना जल्दी से जल्दी से जल्दी ख़त्म करूं। हर बाइट में एक अलग सा टेस्ट मिल रहा है मुझे इसे, एकदम देसी तरीके से ना मिट्टी के पे लकड़ी की आग पे बनाया गया, जिसका स्वाद ही एक अलग ही तरह का स्वाद आता है, पूरा देसी स्टाइल का आपको स्वाद मिलेगा खाने को। आपको बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट में मतलब आप चिकन तो खा लोगे, लेकिन इस तरह का स्वाद आपको खाने को नहीं मिलेगा, वो स्वाद आपको सिर्फ मार्केट में ही खाने को मिलेगा। तो अगर आप रांची से हो या कहीं बाहर से भी हो, अगर आप रांची आते हो तो यहाँ के धुरवा आना, धुरवा से आप, धुरवा में यहाँ पे आप बाजार लगता है शहीद बाजार, तो यहाँ पे आप लोग विजिट करना। और ये मार्केट संडे और थर्सडे को लगता है, तो आप लोग यहाँ पे विजिट करना या तो संडे या तो थर्सडे, और इस मार्केट को एक्सप्लोर करना। यहाँ पे चिकन बनता है, फिश फ्राई होता है, मटन बनता है, सब कुछ बनता है, वो सारे चीज़ों को टेस्ट करना। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो यार भाई को ज़रूर सपोर्ट करना। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, काफ़ी ज़्यादा धूप में हम लोग सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो भाई को सपोर्ट करो, खूब सारा प्यार दो, वीडियो को पूरा वायरल कर दो, और अपने दोस्तों के पास, सारे फ्रेंड के पास पूरा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपका भाई जल्दी से और ग्रो करे और आपके लिए और ढेर सारा वीडियो कंटिन्यू लाता रहे। तो मैं जल्दी से इसे फिनिश करता हूँ यार, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।